ये मेरी बद्रीनाथ सीरीज की सेकंड वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बद्रीनाथ का कंप्लीट टूर प्लान समझाऊंगा, जैसे कि आप बद्रीनाथ कैसे आ सकते हैं तथा यहाँ की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड को देखना होगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। हाय गाइस, मैं हूं वीर चौहान और इस बार मैं करा रहा हूं आपको बद्रीनाथ जी की यात्रा। तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 11 और मैं जाने वाला हूं अपने होटल पे सोने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो दोस्तों, बद्रीनाथ अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इजीली पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको इजीली जोशीमठ के लिए बसेस मिल जाएंगी और जोशीमठ से फिर आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बस मिल जाती है ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जोशीमठ के लिए इजीली आपको बसेस मिल जाती हैं। बद्रीनाथ के लिए कभी कभार नहीं मिलती तो आप पहले जोशीमठ पहुंच जाइए। जोशीमठ से फिर 30-35 किलोमीटर या 40 के करीब है कुछ बद्रीनाथ, आपको इजीली वहां से टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी बद्रीनाथ के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो बद्रीनाथ का जो हम मानेंगे नियरेस्ट एयरपोर्ट वो है देहरादून का, जिसका नाम है जोली ग्रांट एयरपोर्ट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप रेल से आना चाहते हैं ट्रेन से, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है ऋषिकेश। बद्रीनाथ या फिर बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये हिंदू देवता विष्णु जी को समर्पित है। ये चार धामों में से एक प्रसिद्ध धाम माना जाता है, जो कि दोनों ही तरह की चार धामों की यात्रा में हमें मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दो तरह की चार धाम यात्रा कौन सी होती हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि दो तरह की चार धाम यात्रा इंडिया की कौन सी होती है। एक होती है जिसमें कि उत्तराखंड के चार धाम आते हैं, एक होती है जिसमें कि भारत के चार धाम आते हैं। तो इन दोनों में ही बद्रीनाथ जो है वो शामिल है, जबकि केदारनाथ जो है वो है सिर्फ उत्तराखंड के चार धामों में शामिल है। माना जाता है कि जब विष्णु भगवान ध्यान करने के लिए कोई एक जगह ढूंढ रहे थे, जब उन्हें ये अलकनंदा नदी के समीप ये जगह पसंद आई थी और तभी से उन्होंने यहाँ पे वास करना शुरू कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि ये मंदिर कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से एक बात ये है कि आदि शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने ये पहले मठ हुआ करता था, उसे बदलकर मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। तो ऐसे काफ़ी सारी कहानी है जो जिनसे कि पता चलता है कि मतलब मंदिर ये कैसे बना था। तो बद्रीनाथ आने की आइटनरी ये है कि आप सुबह चलिए और हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाइए, और अगर आप रात के समय हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं, अगर कहीं दूर से आप आ रहे हैं, तो पहले आप हरिद्वार और ऋषिकेश में स्टे कीजिए और फिर सुबह जोशीमठ के लिए ऋषिकेश से बस पकड़िए और फिर इजली आप जोशीमठ पहुंच के फिर वहां पे रुकिए। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आपके घर से नज़दीक पड़ता है तो आप पहले हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच जाइए, फिर वहां से आप जोशीमठ पहुंच सकते हैं। और अगर जोशीमठ पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाए, पहले तो आप ये ही सोच लीजिए कि आपको जोशीमठ में ही स्टे करना है, क्योंकि जोशीमठ में आप स्टे कर लेंगे तो आपको वहाँ पर रूम वगैरह होटल्स वगैरह इजली और कम दामों में मिल जाते हैं। तो आप जोशीमठ में स्टे करेंगे और फिर अगले दिन वहाँ से आपको कैब या बसेस 30 से 40 किलोमीटर के बीच में कुछ पड़ता है बद्रीनाथ, आपको बद्रीनाथ के साथ में ड्रॉप कर देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि बद्रीनाथ के टूर में आपको बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं करनी होगी। बद्रीनाथ के मंदिर में के सामने आपको उतारेगी गाड़ी, कुछ आपको तकरीबन 500 मीटर तक चलना होगा, उसके बाद आपको बद्री नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ठीक है, मेरे साथ घूमिए बद्रीनाथ।